तेलंगाना व महाराष्ट्र प्रांत में 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर के आयोजन के पश्चात आज से राजस्थान प्रांत के करौली में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया था। इस योग शिविर हेतु सड़क मार्ग से कल स्वामी जी महाराज का आगमन राजस्थान प्रांत के हिंडौन सिटी में हुआ। हिंडौन सिटी में आगमन पर लोगों ने स्वामी जी महाराज के काफिले को रोककर उनका स्वागत किया। पूज्य स्वामी जी महाराज के निजी सचिव श्री अजय आर्य जी हिंडौन सिटी के हैं और वो वहां पर कई सेवा कार्य का संचालन करते हैं। हिंडौन आगमन पर स्वामी जी महाराज के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। मंच पर श्री अजय आर्य जी ने स्वामी जी महाराज को पगड़ी पहनाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस स्वागत समारोह में वहां के स्थानीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी भी स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे। स्वामी जी महाराज ने सांसद महोदय का स्वागत किया। हिंडौन वासियों ने स्वामी जी महाराज का भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में आई महिलाओं ने भी स्वामी जी महाराज का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत स्वामी जी महाराज व सांसद महोदय ने लोगों को संबोधित किया। इसके पश्चात हिंडौन सिटी में पूज्य स्वामी जी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत की। इस पत्रकार वार्ता के पश्चात हिंडौन वासियों तथा पतंजलि कार्यकर्ताओं ने एक शोभा यात्रा का आयोजन किया। हिंडौन से प्रारंभ हुई इस शोभा यात्रा में माननीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी व स्वामी जी के निजी सचिव श्री अजय आर्य जी भी साथ थे। शोभा यात्रा के मार्ग में हजारों लोग स्वामी जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़े थे। जगह जगह पर लोग स्वामी जी महाराज का स्वागत सत्कार कर रहे थे। सड़कों से लेकर घरों की छतों तक हजारों लोग स्वामी जी महाराज के अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। पूरा शहर सजाया हुआ था और उत्सव सा प्रतीत हो रहा था। लोगों में स्वामी जी महाराज के सम्मान और आशीर्वाद प्राप्ति करने की होड़ सी दिखाई दे रही थी। हर जाति धर्म व समाज के लोग स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करते दिख रहे थे। स्वामी जी महाराज भी सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए तथा लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये शोभा यात्रा संध्या काल तक जारी रही, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। संध्या काल तक भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। शोभा यात्रा का समापन करौली में हुआ। करौली में लोगों ने स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी महाराज के करौली आगमन से लोगों में उत्साह का माहौल था। कल पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचे महेंद्रगढ़ जिले के नीरपुर स्थित शांति कुंज आश्रम। इस आश्रम की स्थापना महिला पतंजलि योग समिति की प्रभारी डॉक्टर सुमन बहन द्वारा की गई है। आश्रम द्वारा पूज्य स्वामी जी आगमन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। यहां पर स्वामी जी महाराज का पगड़ी व शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने भी स्वामी जी महाराज का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महिला पतंजलि योग समिति की बहनों व ग्रामवासियों की ओर से सुमन बहन जी का शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज ने कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को अपना उद्बोधन दिया। हमारे शास्त्रों में कहा और हमारे पूर्वजों ने हमें बार बार संकेत किया, अपने बड़ों से हमने सीखा कि सारे ब्रह्मांड को यदि समझना है तो अपने पिंड को समझ ले। जिसने पिंड को समझ लिया उसको ब्रह्मांड समझ में आ जाता है। गांव में भी बड़े बुजुर्ग आत्मा सो परमात्मा
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। आत्मा में ही परमात्मा की सारी शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं और जो कुछ इस ब्रह्मांड में सब इस पिंड में, जैसे अपने शरीर के अलग अलग घटक हैं, हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, माता बहनों के शरीर में यूट्रस ओवरी होती है उसका अलग काम है, पुरुषों के जो टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट होते हैं उनका अलग काम है, फेफड़ों का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, गले का अलग काम है, कान का अलग काम है, नाक का अलग काम है, आँख और दिमाग का अलग काम है। जैसे ये शरीर के सारे घटक सभी ऑर्गेन्स ठीक रहते हैं तो शरीर ठीक चलता है, ऐसे ही धर्म के घटक हैं। और तो इस शरीर के घटकों में ये सन्यास वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचर्य, ये चार जो घटक हैं, ये चार यदि अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हैं तो फिर समाज जीवन बहुत आगे बढ़ता है व्यवस्थित रूप से। ब्रह्मचर्य से अभिप्राय होता है कि जो 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो गुरुकुल में पढ़े चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनके शरीर बलवान होने चाहिए, उनका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। ब्रह्म का एक अर्थ होता है ज्ञान, ब्रह्म का एक अर्थ होता है परमात्मा, ब्रह्म का एक अर्थ होता है विराटता। ब्रह्म के संस्कृत में अनेक अर्थ हैं लेकिन बड़े रूप में वेदों को, परमात्मा को, सत्य को, ब्रह्मचर्य को, संयम को, प्राण को ब्रह्म का है। तो आप सभी जितने भी बैठे हैं, आपके बच्चे चाहे कोई गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का यदि शरीर बल अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र बलवान होगा। आज तुलनात्मक दृष्टि से भारत यद्यपि दुनिया का सबसे जवान देश है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे जवानों की ताकत कम हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को लीवर किडनी की समस्या, और शरीर में जो ऊर्जा होनी चाहिए वो कम हो गई। तो हम सब मिलकर के प्रयास करें कि हमारे बच्चे जिनकी 25 साल से कम की उम्र है वो शरीर से बहुत बलवान बने, उनका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रहे, अपने मन पर नियंत्रण रहे, वो इतने नॉलेजफुल, इतने स्किलफुल, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च और इन सब चीज़ों को, अपने नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास में दृष्टि होनी चाहिए। और सारी दुनिया इसी तरह आगे बढ़ रही है, चाहे वो जापान है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चीन है, या दुनिया के जो देश आगे बढ़ चुके, चाहे वो पूरा यूरोप है या अमेरिका है, वहाँ हर एक बच्चा वो नॉलेजफुल है, स्किलफुल है, वो नए नए इन्वेंशन करता है, रिसर्च करता है किसी भी फील्ड में, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, और धरती से लेकर के आसमान तक, स्पेस साइंस तक, वो बहुत एडवांस है, इसलिए वो देश हमसे आगे। तो एक घटक है हमारा 25 साल से कम उम्र वाले हमारे देश के बच्चे और जवान, और इस दिशा में हम भी कार्य कर रहे हैं। हमारा आगे सपना है कि आने वाले 40-50 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा देश के बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे करके उनको विश्व नागरिक के तौर पर हम तैयार करना चाहते हैं। उसके लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये हमारे प्रकल्प हैं, क्योंकि हमने ये तय किया कि पतंजलि का जो 100% प्रॉफिट है वो एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च और गांव के लिए हम खर्च करेंगे। तो
इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो हम इस दिशा में सभी मिलकर के प्रयास करें। हमारा युवा भारत संगठन भी हमने इसीलिए बनाया कि विद्यार्थियों के साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके साथ संपर्क करके उनको अपने भारतीयता में दीक्षित करना, भारतीयता के संस्कारों में उनको आगे बढ़ाना। और जितने भी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे, मैं उनसे भी कहूँगा बच्चों को ऐसे ही संस्कार दें। मैं बच्चों के पास जब भी जाता हूँ, कल भी मैं गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा होके आया, यहाँ आते समय मैंने 3 बात बच्चों को बताई, और ये बात आप सब भी अपने बच्चों को बताना कि हर एक मानव में महामानव होने की शक्ति है। क्या बोला? हर मानव में, जोर से बोलो जरा, महामानव होने की शक्ति है। हर पुरुष में महापुरुष होने की शक्ति है। तो ये हम सुनते तो रहते हैं लेकिन इसको एहसास, इसका अनुभव नहीं कर पाते। अपने बच्चों को बचपन से ये बात उनके दिल में कूट कूट के भर दें कि दुनिया का कोई भी सफलतम व्यक्ति, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे इंडस्ट्री में है, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे स्पिरिचुअलिटी में है, चाहे एग्रीकल्चर में है, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में, दुनिया का कोई भी सफलतम आदमी है, उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ बेटा तुम्हारे भीतर है। अपने बेटे और बेटियों को बचपन से ये बात सिखाएं। मैंने इसी बात से बचपन में इंस्पिरेशन लिया कि दुनिया के जिन महापुरुषों को मैं पढ़ता हूँ, उनको जैसे भगवान ने शरीर दिया, जैसे भगवान ने बुद्धि दी है, जैसे उनको भगवान ने बनाया, ऐसे मुझे भी बनाया, मैं भी उन्हीं बड़ों के रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। और ये तो एक विचार हुआ कि दुनिया का कोई भी सफलतम आदमी, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे कॉर्पोरेट फील्ड में है, चाहे हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, रिसर्च में, किसी भी फील्ड में कोई बड़ा आदमी है दुनिया में, वैसी शक्ति बेटा तुम्हारे अंदर है। ये बात इन छोटे छोटे बच्चों से, यहाँ भी छोटे बच्चे कुछ आए हुए हैं, ऐसे अपने घरों में जो बच्चे हैं उनको ये बात आप लोग बताएं। इन बच्चों को भी मैं ये बात कह रहा हूँ और आप अपने घर में बच्चों को ये बात कहना। दूसरी बात, एक तो होता है कि हम अपने शक्ति को पहचाने। आचार्य चाणक्य कहते हैं, को हम काच में शक्ति इति चिंतित मुहुर्मुहु, मैं कौन और मेरी शक्ति क्या है, ये हर एक इंसान को बार बार सोचना चाहिए। और मेरा तो स्वभाव ही बन गया, मैंने कभी भी अपना हीन मूल्यांकन नहीं किया, कभी भी कमतर करके अपने आप को नहीं आका। इसको हिंदी में बोलते हैं अवमूल्यन करना, आम भाषा में बोलते हैं अपने को कमतर करके आंकना, अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, और जैसे कहते हैं ना कि एकदम गया गुजरा मानना। मैं जैसे लोगों से बात करता हूँ, बोले स्वामी जी क्या करें, मारी तो किस्मत ही माड़ी से, जिसको पूछो बोले बाबा जी मारी तो किस्मत ही खराब से। अरे भाई थारी किस्मत खराब होती तो भगवान आपको इंसान बना के पैदा ही नहीं करता। यदि आपका इंसान के रूप में जन्म हुआ है तो समझ लो आपके सौभाग्य का उदय हुआ है, तो ही आप धरती पर स्त्री और पुरुष बनकर के पैदा हुए। यदि आपका भाग अच्छा नहीं होता, आपकी डेस्टिनी अच्छी नहीं होती, तो आप इंसान के रूप में पैदा ही नहीं होते, और इंसान के रूप में भी हिंदुस्तान में तो पैदा नहीं होते। पता नहीं कहीं मंगोलिया में, कहीं अफ्रीका में, कहीं पाकिस्तान में, कहीं अफगानिस्तान में, कहीं बांग्लादेश में, पता नहीं कहाँ। जैसे धरती पर भगवान ने बीज बखेर रखे, ऐसे थारा भी बीज कहीं पड़ जाता। आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए हो और वो भी भारत भूमि पर पैदा हुए हो, इसका मतलब आपका सौभाग्य बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये बात अपने बच्चों को जरूर बताना, ये आदमी, हर एक आदमी, मैंने इसके बारे में मैं 2-3 बातें हमेशा कहा करता हूँ, ह्यूमन बीइंग इज अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। महाभारत में कहा कि मनुष्य से बढ़ करके इस धरती पर भगवान की कोई कृति हो नहीं सकती। महर्षि दयानंद कहते हैं ये पूरा अस्तित्व, ये पूरी सृष्टि, ये जो भी मूर्त रूप है, सगुण साकार रूप है, जो भी दिख रहा है इस ब्रह्मांड में, ये भगवान का प्रत्यक्ष है। लोग कहते हैं भगवान को दिखा दो, मैंने कहा देख भाई, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसि इंद्रस्य युज्यसे, का भगवान को देख तो सही, ये सारा नूर प्रभु का ही है, और कुछ है ही नहीं भगवान के सिवा।
ओम सर्वम खलोदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा परमात्मा के सिवा और है ही क्या, उसी की शक्ति सब में व्यक्त हो रही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम कुतोयम अग्नि तमेव भान अनुभाति सर्वम तस्य भास सर्वम इदम विभाति। सारा उस भगवान की रोशनी से रोशन है ये सारा जहान, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंद। देखो ये भगवान का प्रत्यक्ष है ये सारा अस्तित्व। एक बात तो मैंने पहली बताई कि अपने सामर्थ्य का हम चिंतन करें। दूसरी बात मैं कह रहा तो भगवान का इतना बड़ा अनुग्रह, इतनी बड़ी कृपा रहमत, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हीने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। सजागार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। भगवान ने इतनी रहमत, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की नो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कितनी प्रभु की कृपा है, कितनी भगवान की करुणा रहमत है, उनके कितने आशीष हैं हमारे ऊपर कि इस सृष्टि का सारा ऐश्वर्य एक मनुष्य के भीतर परमात्मा ने डाला हुआ है। अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसका हमें एहसास होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बिना कुछ कीमत लिए हमें दे दिया। मैंने एक शिविर में बोला कि भाई मनुष्य के इस बुद्धि को छोड़ करके जिस्म जिस्म की जो कीमत है वो 400 करोड़ रुपए है। जब ये आदमी का क्लोन बनाने की बात हुई तो पूरी दुनिया में काफ़ी साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, तो बोले भाई एक आदमी के एक एक सेल से लेकर के उसके ब्लड, बोन्स, लीवर, किडनी, हार्ट और जहाँ आजकल तो ब्रेन ट्रांसप्लांट की भी बात चल रही है, दिमाग, मतलब जो नॉलेज के लेवल पर अब जैसे दुनिया में जिनके पास भी 5-10 लाख करोड़ रुपए भी हो तो दिमाग से ही है सारा खेल, तो वो उसको दिमाग को छोड़ करके, मैंने ब्रेन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसको छोड़ करके जो उसकी तो की कीमत ही नहीं है, जो नॉलेज है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और जो उसके स्किल है उसकी, तो उसके अलावा ब्रेन, लिवर, हार्ट, किडनी, इसका ट्रांसप्लांट हो जाता है अभी तो 400 करोड़ की कीमत है। कितनी कीमत है थारी बच्चों? कम से कम कितनी? तो जन्मजाति करोड़पति हो। कुछ लोग कहते बाबा जी हमारी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक आदमी यदि इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया जाए, आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो एक आदमी के शरीर की कीमत कितनी जी? 400 करोड़ की तो एक एक बैठी हो तुम। फिर जो ऊपर से साड़ी पहन रखी है, जेवर पहन रखा है, ये बाकी घड़ी घोड़ी पहन रखी है तो कुछ भी ना उसके उसमें तुलना में। भगवान ने इतनी बड़ी चीज अपने को दी हुई है और हम इसकी कीमत नहीं समझते। जैसे किसी को कोई बहुत बड़ा आदमी आशीर्वाद दे करके हीरे जवाहरात से उसको भर दे उसकी झोली और यूं सोचे पता नहीं मेरे झोली में ये क्या डाल दिया, तो भगवान ने अपनी झोली में ये मनुष्य का जीवन दिया हुआ है और इसमें कितनी अपार शक्ति है इसको करोड़ों में कोई एक जानता है, करोड़ों में कोई एक जानता है और इसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता। आज मेरे से कहते हैं बाबा जी आप वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी हो गए, सारी दुनिया के करोड़ों लोग आपको इतना प्यार करते हैं, बाबा जी अपनी जैसी सेलिब्रिटी हमको भी बना दो। मैंने कहा भाई हमको तो पता ही नहीं लगा हम सेलिब्रिटी कब बन गए, हमने तो 3 काम सीखे थे वो आज आपको बता रहा हूँ। ये 3 काम करोगे और ये अपने बच्चों को, अपने औलादों को सब बताना। एक, पुरुषार्थ करना। क्या करना बोलो? प्रमाद नहीं करना। महर्षि दयानंद की शैली है, जो करना वो भी बताते हैं, जो नहीं करना वो भी बताते हैं। सत्य का आचरण करें, झूठ कभी ना बोलें, वेद के मार्ग पर चलें, वेद विरुद्ध मार्ग पर कभी ना चलें, सबसे प्रेम करें, कभी भी किसी से बैर ना रखें। माने जो करना वो भी और ना करना वो भी साथ साथ बताते हैं, तो उससे बात समझ में आ जाती पूरी। तो देखो पुरुषार्थ सदा करें, पढ़ाई से लेकर के, खेत से लेकर के, बिजनेस से लेकर, व्यापार से लेकर के, धर्म से लेकर के, देश से लेकर के, दुनिया जहां भी रहो वहां पुरुषार्थ करो। ये सारी धरती भगवान के दिव्य कर्म का परिणाम है और जो कुछ आज हम जीवन में अपने कर्मों का परिणाम है, कर्म के सिवा इस जगत में कुछ है ही नहीं। वो कर्म अच्छा हो इसके लिए ज्ञान भी होना चाहिए, वो कर्म अच्छा हो इसके लिए भाव भी होना चाहिए। ज्ञान और भाव पूर्वक
कर्म करें। इसको यदि मैं अनुप्रास के ढंग से शब्द बोलूं तो मति और भक्ति युक्त जो कृति है वही मुक्ति है। चार शब्द बोले मैंने, क्या बोला? मति भक्ति युक्त कृति ही मुक्ति है। मति भक्ति कृति और मुक्ति, चार ही तो शब्दों की बार बार चर्चा होती है। मति माने ज्ञान, भक्ति माने भाव, नॉलेज, इमोशंस, एक्शंस एंड अचीवमेंट ऑफ डिविनिटी, दिव्यता की, पूर्णता की, आनंद की प्राप्ति, यही मुक्ति है और कुछ नहीं है। खैर, एक बात अपने बच्चों को यह समझाना कि पुरुषार्थ सदा करना एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं। अकर्मादस्य, जो कर्म नहीं करते वो राक्षस हैं, पिशाच हैं, मानस नहीं, वो शैतान है, हैवान है, इंसान नहीं। अकर्मादस्य प्रमादो मृत्यु, प्रमाद तो मृत्यु है। वो आदमी जीता जी मर गया जो आलसी है। तो एक बात अपने बच्चों को समझाना, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करें, प्रमाद कभी ना करें। एक दूसरी बात, इतनी बात याद रख लेना, निराशा में कभी नहीं जीना, आशा में जीना। किस में जीना बोलो? आशा ही जीवन हो, निराशा ही मृत्यु। आदमी जब निराशा की बात सोचने लगे ना, तो अपने बारे में, पति पत्नी के बारे में, माता पिता के बारे में, घर परिवार के बारे में, गांव के बारे में, देश के बारे में, भगवान के बारे में, सबके बारे में जब निराशा की बात करने लगता है तो आदमी सुसाइड कर लेता है। ये निराशा वाली बात कंटिन्यूटी चलती रहे, कंटिन्यूटी में निराशा वाली बात चलती रहे तो आदमी सुसाइड कर लेता है। और ये दुनिया में हो रहा है, कोई मैं बिना हुई बात नहीं कहता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी मैं बात कहता हूं, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, एविडेंस और पूरे के पूरे प्रूफ के साथ। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, जो मन में आया वही बोल दिया, दो चार इधर से पढ़ी, दो चार उधर से पढ़ी, इसकी सुनी, उसकी सुनी और अपने कह के गा दी, ये नहीं। दूसरी बात कह रहा हूं, आशा ही जीवन है। आशा, उत्साह, शौर्य, पराक्रम, वीरता, जो भी इसके लिए शब्द बोलो। और निराशा ही मृत्यु है। आशा से सदा भरे हुए रहने से सदा हौसला, आशावादी, निराशावादी आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं देखा है संस्थाओं के अंदर, संस्थानों में, राष्ट्र में, घरों में, परिवारों में, देश में, ये भी फिर पहले वाली बात में, सबसे बड़ी कमजोरी आदमी की अकर्मण्यता, सबसे बड़ी कमजोरी आदमी की निराशा। दो से बचना है, प्रमाद से बचना है और निराशा से बचना है। तीसरी बात, बुरी आदत से बचो और अच्छे अभ्यास, अच्छी आदत डालो। ये इतना बड़ा शब्द है, मैं वैसे इन दो शब्दों पर सबसे ज्यादा फोकस करके बोलता हूं, एक तो पुरुषार्थ और एक ही अभ्यास। अपने गांव की भाषा में बोलते हैं, बोले भाई इसकी तो वाणी खराब पड़ रही है, बोल ओ बहू बहुत अच्छी है, देखने की भी, रंग रूप की भी, सकल सूरत की भी अच्छी से, पर बाण खराब से बहू की, सास की बाण खराब पड़ रही है, बालक की बाण खराब पड़ रही है, खान पीन से लेके जीण से लेकर के। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको आप जितना सोचोगे अपने आप ही समझ में आता रहेगा। गलत सोचने की आदत, ये बुरा अभ्यास, बुरी आदत। ऊपर से बताता हूं, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। बुरा सोचने की, बुरा देखने की, बुरा बुरा बोलने की, और बुरा खाने पीने की, और हाथों से बुरा, और दिल में बुरी भावना, बुरा विचार, बुरी दृष्टि, बुरी श्रुति, बुरी वाणी, बुरा आहार, बुरी भावना, बुरे कर्म। इतनी तीस बात है, इससे बच गया वो महापुरुष हो गया। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती मेरे को, कई बार आश्चर्य होता है, ये इतनी सीधी सीधी बात है। इसके लिए कोई चार वेद, छह शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेदवाणी, गुरुवाणी और जितने बड़े बड़े शास्त्र रख रखे, भाई सर सबसे बड़ा शास्त्र तो यही है, यही देख लो। वो कबीर साहब कहते हैं, तुम कहते हो पुस्तक लिखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। तो आंखों देखा हाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, समझ लो।